नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जनवरी दिन शुक्रवार, तो चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताज़ा 25 बड़ी खबरों की। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक संपन्न, जिसमें अहम फैसले। इस दौरान हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन, अध्यक्ष के तौर पर गुरनाम सिंह चढ़ोनी को बड़ी जिम्मेदारी। इस मौके पर गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने सरकार के प्रस्ताव को छलावा बताया है, जिसमें 1.5 साल के लिए कानूनों पर रोक लगाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार 26 जनवरी को किसान परेड टालने के लिए ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार के प्रस्ताव पर फाइनल चर्चा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। चंदोड़ी ने कहा कि नकल होने वाली सरकार के साथ बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में बात कम ब्रेक ज़्यादा होती है। ट्रैक्टर परेड को लेकर चंदोड़ी ने बताया कि 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर निकलेगी, जिसमें किसान और महिलाएं शामिल होंगे। किसान आंदोलन पर विवादित बयान, बीजेपी सांसद बोली, कृषि कानूनों के विरोध में आतंकी बैठे हैं खालिस्तान का झंडा लगाकर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 57वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए झुकती हुई नजर आने लगी है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा ही विवाद दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के बयान से जुड़ा है। जसकौर का एक वीडियो राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वे कह रही हैं, अभी कृषि कानून को ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं। आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे सोचेंगे, देश में कितनी रुकावटें हैं। सत्ता के अहंकार में इतने अंधे हो गए कि इन्हें देश का अंदाता आतंकी दिखता है। विरोध करने वालों को आतंकवादी खालिस्तानी बताने का संस्कार तो इन्हें संघ से ही मिला होगा। ये दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा है। किसानों के प्रति इनकी घृणा सोच और अमर्यादित भाषा जो कि इसमें बताई गई है। यूपी से बीजेपी के बागी विधायक की हरियाणा सरकार को चेतावनी है, 26 जनवरी को मंत्रियों को फहराने नहीं देंगे झंडा। कृषि कानूनों को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है, जुबानी जंग में जोरों शोरों से चल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से बीजेपी को धमकाने में लगा है। अब पार्टी के अपने ही विधायक बीजेपी सरकार को धमकी दे रहे हैं। बागी विधायक व पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना की बात हो रही है। भड़ाना इस वक्त मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की मीरपुर विधानसभा से विधायक हैं। वे हरियाणा के फरीदाबाद जिले से कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार को चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 26 जनवरी को वे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को झंडा नहीं फहराने देंगे। भड़ाना अगनपुर गांव में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए वह पूरे देश से अपील कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा रहे हैं कि पार्टी दलों से ऊपर उठकर सत्ता का मोह छोड़कर किसानों का साथ दें। भड़ाना ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी को सरकार किसानों को आज़ादी देगी, क्योंकि बीजेपी सरकार किसान और मजदूरों ने ही बनाई है। जिस पर सरकार ने इस पर जुल्म किया वह बची नहीं। किसान संयुक्त मोर्चा ने कुछ बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी लगाई है और वह इस ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। रोजगार के लिए 69 दिनों से दे रहे धरना, ब्याज पर रुपये लेकर पाल रहे हैं पेट। सनोली रोड से सब्जी मंडी के शिफ्ट करने से सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। अब सनोली रोड पर छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर बीते 69 दिनों से सब्जी विक्रेता दिन रात धरना दे रहे हैं। महिला पुरुष विक्रेता बुधवार से शहरी विधायक प्रमोद विज के जीटी रोड स्थित ऑफिस के सामने धरना शुरू किया। एकमात्र रोजगार छीनने से विक्रेताओं को ब्याज पर रुपए लेकर वाहन चलाकर बेचकर परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को उनकी जो बातचीत है वो सुनाई नहीं दे रही है। उधर गुरमीत सिंह की भगत की हाईकोर्ट में याचिका है, राम रहीम के साथ साजिश हुई, संतों ने हमें ईश्वर से जोड़ा, वहीं शिकार हो बैठे हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया है। कुछ लोगों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पंजाब के रोपड़ जिले के एक व्यक्ति शामिल है। उनका कहना है कि डेरा प्रमुख के साथ साजिश हुई है। डेरे के प्रबंधन वकील और CBI के अधिकारियों की साजिश का पर्दाफाश करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा याचिकों ने यह भी कहा कि जिन संतों ने मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का काम किया, सत्ता द्वारा उन्हीं को साजिश का शिकार बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। गुरमीत राम रहीम के साथ भी ऐसा ही हुआ है।
हाई कोर्ट में डेरा चीफ के हक में याचिका लगाने वाले रोपड़ निवासी बलजिंदर सिंह डेरा सच्चा सौदा के न्यायी हैं। उन्होंने उनके द्वारा कई लोगों ने जो आरोप लगाया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दुष्कर्म और हत्या के मामले में जेल में रखने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसकी जड़ें भी गहरी है। साजिश में हरियाणा सरकार, सीबीआई के कुछ अधिकारी, राम रहीम के वकील और डेरे के प्रबंधक के लोग भी शामिल हैं। इन सब ने मिलकर फर्जी गवार गलत तथ्य कोर्ट के सामने पेश कर राम रहीम को जेल में बंद करवाया। ये अन्यायियों को सहन नहीं होगा और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। वहीं पर टैक्सी स्टैंड से गाड़ी हायर कर की, फिर ड्राइवर को 5 गोलियां मारी, 35 किलोमीटर दूर घायल मिला ड्राइवर। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को एक युवक की हत्या की कोशिश की गई। युवक टैक्सी चलाता है। पुलिस की माने तो बुधवार शाम शहर के टैक्सी स्टैंड पर कार किराए पर बुक की गई थी। गांव कोहाड़ भिवानी जिला मुख्यालय से गांव स्टेट हाईवे 12 पर करीब 35 किलोमीटर दूर है। वहीं गुरुवार को कार NH 709 पर करीब 26 किलोमीटर दूर गांव गोलागढ़ से बरामद की गई, जहां पर युवक की पहचान जिले के पालवास गांव के 28 वर्षीय प्रदीप के तौर पर हुई है। वहीं प्रदीप नामक एक व्यक्ति की कार पर ड्राइवर था जो टैक्सी स्टैंड पर लगाई हुई है। पुलिस को दिए बयान में प्रदीप ने बताया कि बुधवार शाम को 4 युवक कार किराए पर बुक करके चालक प्रदीप को अपने साथ ले गए। रात को प्रदीप के घायल होने का पता चला तो वही तुरंत शहर के निजी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। प्रदीप को करीब 4 से 5 गोलियां मारी गई हैं। कुहाड़ के ग्रामीणों ने उसे गंभीर हालत में गांव के पास मिलने की बात बताई है। यहां से डॉक्टर ने हायर सेंटर पर रेफर कर दिया है। नीरज खुद प्रदीप को हिसार लेकर गए हैं। किसान दिल्ली की आउटर रिंग रोड से रैली निकालने पर अड़े, पुलिस से तीसरी मीटिंग भी बेनतीजा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसानों के साथ पुलिस की गुरुवार को हुई मीटिंग भी बेनतीजा रही। ये लगातार तीसरा दिन था जब पुलिस ने किसानों को मनाने की कोशिश की। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिकारी शामिल थे। मीटिंग के बाद स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस चाहती है कि किसान दिल्ली के बाहर ही रैली निकालें, लेकिन ये संभव नहीं है। हम दिल्ली के अंदर शांति प्रिय तरीके से रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली के लिए पंजाब के 4 जिलों से 1100 से ज़्यादा ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अमृतसर से 850 ट्रैक्टरों का जत्था, संगरूर से 250 और मोगा से 40 ट्रैक्टरों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया। किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर अलर्ट, लेकिन टकराव मोड़ नहीं लेगी हरियाणा की पुलिस। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड निकालने के ऐलान के साथ ही हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली से सटे जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। ड्रोन कैमरों की मदद से मुख्य मार्गों से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर नजर रखी जाएगी। हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा, DGP मनोज यादव ने इस संबंध में अपने जिला पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान कर रखा है। पुलिस को इनपुट मिला है कि इस परेड में हरियाणा के रास्ते से पंजाब के किसान जहां दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहीं हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी दिल्ली कूच की तैयारियां चल रही हैं। ट्रैक्टर इस परेड में शामिल होने का आह्वान किया हुआ है। इसके चलते किसान जत्थेबंदियां गांव-गांव घूम रही हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान किसी तरह का कोई हादसा न हो, टकराव न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैक्टर परेड से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। CM मनोहर और गृह मंत्री ने बृहस्पतिवार को इस बारे में अधिकारियों की फीडबैक भी लिया है। CID चीफ आलोक मित्तल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं और 22 जिलों में विशेष तौर पर दिल्ली बॉर्डर से सटे जिलों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जहरीली शराब मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया SIT को जाँच के लिए और समय। हरियाणा में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में विशेष जांच दल को जांच के लिए समय न दिया जाए, इसको लेकर पुलिस और आबकारी कारदानी विभाग के अफसरों का एक ही स्टैंड दिखाई दिया। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और आबकारी व कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने SIT को जांच को लेकर समय न देने पर सहमति दी थी। SIT ने भी कई तर्क बताए, जिसके चलते प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधान सचिव और DGP की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया। 31 जनवरी 2021 तक SIT को अपनी जांच पूरी करने का समय दिया जा चुका है। हालांकि इस प्रकरण में आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारी उन अधिकारियों जानकारियों को भी SIT को देने से बच रहे हैं जो सूचना का अधिकार में आसानी से मिल सकती है। हरियाणा में पंचायती चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस।
हरियाणा में हालांकि अभी पंचायती चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंस कार्यकर्ताओं की नज़र टोलने के लिए वीरवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा भी मौजूद रही। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने सर्किट हाउस में जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रदेश में होने वाली पंचायती व दूसरे चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने को लेकर बातचीत की। प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से खुलकर चर्चा की, कहा कि वे पार्टी की मजबूती के लिए पूरी तनदेही से काम करें। अभय सिंह चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा का ग्रामीणों ने किया स्वागत, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। INLD के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में बुधवार को बाड़ेड़ा मंडल में प्रवेश करते ही उनकी ट्रैक्टर यात्रा का पार्टी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अभय चौटाला भी सरकार पर कम बल्कि स्थानीय विधायक पर ज्यादा गर्म नजर आए। अभय ने कहा कि बाड़ेड़ा सहित दक्षिणी हरियाणा की जनता ने सदैव उनके परिवार का अच्छे बुरे समय में वक्त पर सही सहयोग किया। अब की बार कुछ लोगों ने यहाँ के मतदाताओं को झूठे समझबाग दिखाकर ठगने का काम किया है। किसान की अगुवाई में किसान आंदोलन की जन्मस्थली रही बाड़ेड़ा कादमा मंडियाली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं पर उन्होंने सरकार को भी जमकर कोसा और कहा कि INLD हमेशा स्पष्ट है, वो किसानों के साथ खड़ी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए सुनहरा मौका, बढ़ाई गई दाखिलों की अंतिम तिथि। हरियाणा के वे छात्र जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिले लेने से वंचित रह गए, उनको उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने सुनहरा मौका दे दिया है। विभाग ने प्रदेश के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने की तिथि को बढ़ा दिया है। महाविद्यालयों में व विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं को रिक्त सीटों को भरने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए अंतिम तिथि 25 जनवरी अब और बढ़ा दी है। विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने प्रदेश के सभी राज्य और विश्वविद्यालय व प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अलावा सभी सरकारी एडेड व स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि कई महाविद्यालयों की मांग को ध्यान में रखते हुए विभाग ने PG एडमिशन पोर्टल को 25 जनवरी तक खोल दिया है। उन्होंने बताया कि नई अंतिम तिथि 25 जनवरी तक संबंधित महाविद्यालय की रिक्त सीटों पर आवेदन ले सकेंगे। दीपेंद्र बोले, किसानों के दिल्ली कूच को सफल बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, पीछे नहीं हटेंगे। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। यहां किसानों को धरना स्थल पर लगातार अलग अलग गांव के किसान समाजसेवी विपक्षी पार्टियों के नेता समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उन्होंने केंद्र और मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि किसानों की मांगें पूरी करने के बजाय BJP ने किसानों पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों के दिल्ली कूच को सफल बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कमेटी के एक सदस्य ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि वो कमेटी में रहकर ईमानदारी के साथ किसानों की आवाज़ को नहीं उठा सकते, तो फिर दूसरे सदस्यों से क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि सरकार अपनी हट को छोड़कर किसानों की बातों को मान ले। दुकान में रखे पुराने टायरों में लगी भयानक आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण दुकानदार में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपरी मंजिल में रखे हुए टायरों में लगी, उसके बाद आग ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार झज्जर रोड पर राठी ट्रेडर्स नाम की एक दुकान में टायर और अलाइनमेंट का काम होता है। यहाँ उनकी ऊपरी मंजिल पर काफ़ी सारे पुराने टायर रखे हुए थे। अचानक इन टायरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दुकान की ऊपरी मंजिल पर रखे पूरे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। जहाँ पर घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और काबू पाने के प्रयास में जुट गए हैं। ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा से खापे 24 को ही कर देंगी दिल्ली का कूच। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का लेकर ऐलान किया है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा से खापे 24 जनवरी को ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। ये फैसला जीनवी हुई पंचायत में लिया गया है। इस पंचायत में किसान दिल्ली चलो का नारा भी दे चुके हैं। इसके साथ पंचायत में कई अहम फैसले लिए गए। ग्राम स्तर पर कमेटियाँ बनाई गई हैं, घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगी। ट्रैक्टरों पर लगाने के लिए
हजारों झंडे भी जींद पहुंच चुके हैं। आंदोलन उग्र ना हो इसके लिए भी खापें खुद बागडोर संभालेगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एसटेट परीक्षा का परिणाम किया घोषित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने वीरवार को एसटेट परीक्षा 2020 लेवल 1-2-3 का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर क्लिक कर अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर पर लेकर पहुंचे अंग्रेजों के समय की कार, आंदोलन में बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। सोनीपत के संघ बॉर्डर पर किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे हैं। वहीं किसानों की मांग की है कि जब तक सरकार इन्हें रद्द नहीं करेगी वे वापस नहीं जाएंगे। पंजाब के मोगा से युवा किसान अंग्रेजों के समय की कार लेकर आंदोलन में पहुंचे हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पंजाब से किसानों का कहना है कि वे 26 जनवरी की परेड के लिए पहुंचे हैं, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक को मारी जोरदार टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत। हरियाणा के करनाल में वीरवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चलेगी। यह हादसा गांव संटोड़ी के पास हुआ, जहां बाइक पर जा रहे युवक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से युवक की जान चलेगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। तांडव पर हरियाणा में तांडव, बहादुरगढ़ में वेब सीरीज के निर्माता और कलाकारों पर केस दर्ज। राजनीति की पृष्ठभूमि पर बनी वेब सीरीज तांडव पर पंजाब के बाद हरियाणा में भी विवाद छिड़ गया है। प्रदेश के गृह मंत्री ने वेब सीरीज को अमेजॉन प्राइम वीडियो से हटाने की मांग की है। मंत्री विज ने सिर्फ मांग ही नहीं की बल्कि गुस्सा जाहिर करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उधर बहादुरगढ़ में हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शहर के वकीलों ने थाने में शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस ने निर्माता और कलाकारों पर केस दर्ज कर लिया है। सहकारिता मंत्री का औचक निरीक्षण, 3 कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा पंचकुला के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 2 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में 23 और 24 जनवरी को हल्की बारिश का अनुमान। हरियाणा राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 जनवरी रात्रि से हवा में बदलाव संभावित है, जो उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी होने से राज्य में 23 जनवरी से मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिसमें 23 जनवरी रात्रि व 24 जनवरी को उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं तेज हवाएं गरज चमक के साथ हल्की बारिश, परंतु राज्य के पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई व कुछ एक स्थानों पर हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी संभावित है। इसी दौरान रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, परंतु 25 जनवरी के बाद राज्य में फिर से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट व सुबह के समय धुंध आने की संभावना है। CBSE द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। 20 से 25 अप्रैल के बीच बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बोर्ड द्वारा इस निर्णय का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हर माह फरवरी माह के अंत में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते कक्षाएं देरी से लगने के कारण परीक्षा के समय पर आयोजित नहीं करवाई जा सकी। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। बीस वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।